नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक टीम मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल। 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक टेम्परेचर निवारी में 45.7 हीट वेव के साथ दर्ज किया गया और रेवा में 45.6 हीट वेव के साथ दर्ज किया गया। उसके अलावा ग्वालियर में 44.6, शिवपुरी में 44.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, अर्थात पूरे जिले दो जिलों ने जो है वो हीट वेव को दर्ज किया है। वार्म नाइट की बात करेंगे तो उमरिया में +5.6 के साथ वार्म नाइट दर्ज किया गया है। रेनफॉल की बात करेंगे, वेस्ट मध्य प्रदेश में सीहोर में 23.0, खागोनी में 22.0 और देवास में 20 विद हेल स्टॉर्म के साथ वर्षा को दर्ज किया गया है। ईस्ट मध्य प्रदेश में अनूपपुर में सबसे अधिक वर्षा 22.3 mm पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो आज दक्षिण मानसून जो है वो अधिकांश भागों कर्नाटक के अधिकांश मानसून से होता हुआ महाराष्ट्र के कुछ भागों को कवर किया है। उसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी आज वो आगे बढ़ा है और इसके और आगे बढ़ने की अभी संभावना प्रबल है। आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए ट्रफ 3.1 किलोमीटर पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। उसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कल एक सेंटर पाकिस्तान के ऊपर था, आज वो साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। कल जो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, यूपी के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, आज वो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है 1.5 किलोमीटर के ऊपर। और यहाँ से एक ट्रफ ईस्ट एमपी से होता हुआ झारखंड के होता हुआ वेस्ट बंगाल की तरफ 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल के ऊपर उपस्थित है। तो इन सब के होते हुए हमने जो राज्य के बारे में आगे पूर्वानुमान किया है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। 7 तारीख की बात करेंगे तो जो वर्षा का जो अनुपात है वो कुछ और राज्यों में बढ़ेगा और कुछ अलग स्थानों में आइसोलेटेड वर्षा कल दर्ज हो सकती है। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर के अंदर जो आप देख रहे हैं क्षेत्र, उसका भी कल थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और यहाँ सभी ऑरेंज क्षेत्र के अंदर कल थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड विद 50-60 किलोमीटर और साथ में ओलावृष्टि होने का भी संभावना कल बना हुआ है। इसके अलावा जो आप येलो कलर के अंदर जो हमारे जिले देख रहे हैं यहाँ पे जो शेडेड हैं, उसके अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की आशंका कल बनी हुई है। डे 3 की बात करेंगे अर्थात 8 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा जो है वो अलग अलग स्थानों पर जो है कुछ ना कुछ बनी रहेगी और जो हीट वेव है उसका प्रकोप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हल्का सा बढ़ेगा और उसके अलावा जैसे कि छतरपुर, सतना, रेवा, गाँवगंज, मेहर, सिद्धी और सिंगरौली में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है और 45 डिग्री के आसपास जा सकता है। इसके अलावा जो ये ऑरेंज कलर के अंदर जो आप वार्निंग देख रहे हैं, जो नीचे के जो जिले हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड विद ओलावृष्टि के साथ 50-60 किलोमीटर के साथ हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो आप येलो कलर के अंदर जो जिले देख रहे हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर के अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की संभावना है। डे 4 की बात करेंगे अर्थात 9 तारीख की बात करेंगे तो जो डार्क ग्रीन कलर के आप जो शेडी के अंदर जो जिले देख रहे हैं, धार, बड़वानी, खारगोन और इंदौर, कुछ कुछ स्थानों में इनके अंदर वर्षा होगी। बाकी जो जिले हैं जिनके अंदर लाइट ग्रीन कलर दिया गया है उसके अंदर अलग पृथक स्थानों के अंदर जो है वर्षा को दर्ज होने की संभावना है। हीट वेव का जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स है उसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर अभी भी 45 डिग्री के आसपास इन जिलों में होने की संभावना 9 तारीख को बनी रहेगी। और इसके अलावा जो नीचे के येलो पार्ट हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की संभावना है। डे 5 की बात करेंगे अर्थात 10 तारीख की बात करेंगे तो जो हीट वेव जो नॉर्दर्न पार्ट में थी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, इनके अंदर टेम्परेचर अभी भी 45 डिग्री के आसपास होने की संभावना है। और जो बाकी के जो नीचे के जो ज़िले हैं, जैसे कि जो एक्सट्रीम जो वेस्टर्न पार्ट है, नीमच, मंदसौर, खंडौबा, झाबुआ और अजीतपुर के अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड भी 30-40 किलोमीटर होने की आशंका है। और बाकी जो नॉर्थ साउथ ईस्ट के जो हमारे जो छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, अनूपपुर के अंदर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है। अर्थात आगे आने वाले 3-4 दिनों के अंदर रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की जो गतिविधि जो राज्य के ऊपर चल रही है वो बनी रहेगी और अलग अलग पृथक स्थानों पर वर्षा को दर्ज किया जाएगा।